हेलो दोस्तों, मैं हरजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड का प्रीकैप देखने के बाद जो है लगातार कई दिनों से आपके मन में सीरियल को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे होंगे। लेकिन पिछले दिन जो सबसे ज्यादा आज का एपिसोड देखने के बाद जो सवाल शेयर किया गया वो ये था कि क्या वाकई में पत्रलेखा और विराट भाई साहब जो हैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ा चुके हैं, और क्या वाकई में सील के मेकर्स उन्हीं की कहानी को हमें आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, या फिर से सील के मेकर्स का सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है हमारे सई और विराट के फैंस को जलाने के लिए। तो आखिरकार क्या है और कहानी आगे किस तरीके से बढ़ने वाली है, और विराट जो सच छुपाने वाला है सही से बच्चे का, विनायक का, या फिर नहीं। तो दोस्तों यहां पर पिछले वीडियोस में मैं आपको लगातार बताते आ रहा था कि यहां पर विराट जो है ये सच सही से नहीं छुपाने वाला है, लेकिन आज मैं अपनी इस बात को जो है फिर से लेने पर मजबूर हूं, क्योंकि सीरियल से जुड़ी कई सारी अपडेट अब ऐसी सामने आ रही है कि विराट भाई साहब भी उसी हद तक जाने वाले हैं जिस हद तक सही गई थी, और यहां पर वो पत्रलेखा की भलाई सोचते हुए सही को जो है काफी लंबे टाइम तक विनायक का सच जो है वो सही से छुपाने वाला है। अब दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि विराट की ऐसी कौन सी मजबूरी है भला कि उसने इतना बड़ा क्राइम एक बार फिर से कर दिया है और एक मां से उसके बच्चे के बारे में उसने बात छुपा ली है, क्योंकि कहीं कहीं सही को तो ऐसा लग रहा था कि विराट अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, इसीलिए वो सभी को लेकर इतने साल से वापस नहीं आई। लेकिन विराट को तो यहां पर सही का बारे में भी पता है, और सही ने तो किसी और के साथ मूव ऑन भी नहीं किया है, तो विराट को तो सच बता देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जहां पर आने वाले एपिसोड में विराट जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो विराट को कई सारे सच पता चलने वाले हैं, और विराट यहां पर पहले सही को इंतला भी कर देने वाला है कि हमारा विनू जो है वो जिंदा हो सकता है, क्योंकि उसे लगने वाला है कि इतना बड़ा सच जो सही से है वो छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन जिस मोमेंट पर विराट को जो है लगभग कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर जो ये वीनू है वो किसी और का बेटा नहीं बल्कि मेरा और सही का ही बेटा है, तो यहां पर पूरी तरीके से विराट जो है एक ट्राई करने वाला है कि वो सही को बता देगा सारा सच, क्योंकि कहीं ना कहीं सही का हक बनता है इस चीज के ऊपर। लेकिन यहां पर उसे अपडेट मिलने वाली है वो ही जो कि आप प्रीकैप में देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर डॉक्टर से पत्रलेखा के बारे में पता चलने वाला है कि पत्रलेखा लाइफ में कभी भी मां नहीं बन सकती, और यहां पर बच्चे के नाम पर फिलहाल जो पत्रलेखा है उसके पास सिर्फ एक ही शख्स है और वो है विनायक। और यहां पर विराट भाई साहब को याद आने वाला है कि अगर विनायक को भी हमने सही को दे दिया या फिर सही उसे ले गई विनायक को, तो पत्रलेखा का क्या होगा। यानी कि दोस्तों ये कहें कि जिस बारे में विराट को आज से लीप से पहले 8 साल पहले सोचना चाहिए था, उसके बारे में विराट आज सोचने वाला है, क्योंकि सही के बारे में भी सबको पता था कि सही दोबारा मां नहीं बन सकती, और इसके बावजूद भी विराट ने जो है विनायक को सही से छीन कर पत्रलेखा के हाथों में दे दिया था और उसे पुलिस स्टेशन सत्ते छुड़ा कर आ गया था। लेकिन यहां पर वो सारी चीजें भुलाने वाला है और फिर से इतिहास दोहराने वाला है, क्योंकि यहां पर पत्रलेखा का पलड़ा अभी तक सीरियल के अंदर हमेशा ही भारी रहा है, और ये कहें कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कहानी के अंदर जीतते हुए नजर आई है, तो इस बार भी आपको कुछ हद तक यही सीन फिर से देखने को मिलेगा। मैं जानता हूं दोस्तों काफी सारे लोग इस सीन को सुनने के बाद जो है काफी निराश हो गए होंगे, एंड सीरियल को लेकर आपका गुस्सा थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, लेकिन इंतजार कीजिए इस अपडेट के सच होने का, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रही है लेकिन 100% कह पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं, यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए विराट जो है सच फिर से छुपाने वाला है, क्योंकि चाहे कोई भी बात हो विराट अक्सर हम सीरियल के अंदर देखते हैं कि कुछ ना कुछ सच छुपा ही लेता है। अब मुझे तो लगता है कि विराट की गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता होगा तो वह 10 मिनट तक पहले बैठ के सोचता होगा कि पंचर वाले को क्या बोलूं कि टायर पंचर हो गया कि कोई बहाना बनाऊं। यहां पर विराट भाई साहब जो है हर चीज में काफी ज्यादा सोचते हैं चीजों को, और उसके बाद जब बात का बतंगड़ बन जाता है तो अक्सर विराट जो है उन बातों को रखते हुए सबके सामने नजर आता है, और उसके बाद बवाल खड़ा हो जाता है चौहान निवास में, एंड उस बवाल के अंदर जो है हमारे 2, 3, 4, 5, 7, 8 एपिसोड ऐसे ही निकल जाते हैं, और हम लोग सोचते रहते हैं कि कब अच्छा ट्विस्ट आएगा, कब अच्छा ट्विस्ट आएगा। और इस बार भी सेम वैसा ही सीन होने वाला है, विराट भाई साहब जो है सोच में डूब जाने वाले हैं, और जब उन्हें लगने वाला है कि अब मामला बहुत बिगड़ चुका है, अब यहां पर अच्छी लड़ाई झगड़े होंगे, अच्छे ताने वाने चलेंगे, तो वो सोचने वाले हैं कि ठीक अब सच बता देता हूं, यानी कि ये कहूं कि सही को सच पता चलेगा। लेकिन विराट सच बताने में देरी करने वाला है जब तक कि बवाल ना हो जाए, और सीधी सी बात है दोस्तों जब तक कहानी में बवाल नहीं होता भला टीआरपी कहां से आएगी और सील की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अगर सब कुछ पॉजिटिव ही सीरियल के अंदर दिखा दिया जाए तो यहां पर सील को खत्म होने में जो है 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा और सील पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन यह बात भी माननी पड़ेगी कि इतनी नेगेटिविटी भी क्या काम की कि सील को देखने वाले फैन जो इतनी अच्छी टीआरपी सील को देख रहे हैं वो ही फिर से हमको जो है कुछ ना कुछ सुनाने लग जाए। कमेंट सेक्शन देखकर साफ पता चल रहा है कि फिलहाल पत्रलेखा और विराट को लेकर जो है लोगों के मन में कितना ज्यादा गुस्सा मौजूद है।
ऑल ओवर दोस्तों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहानी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, यानी कि ये कहूँ कि कुछ दिनों के लिए तो कहानी कुछ इसी पड़ाव पर बढ़ने वाली है। पॉजिटिव चीज़ें आने में जो है अभी अच्छा खासा वक्त लगेगा, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं भी आपको ये बात बता रहा हूँ कि अब कहानी बेहतर होने वाली है, अब अच्छे ट्विस्ट आने वाले हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सीरियल के मेकर्स जो है लगातार एक ही स्टोरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन फुल ट्राई कर रहे हैं कि बस इसे कैसे भी कर जो है बहुत ज्यादा हम लोग खींच दें। और साफ नजर आ रहा है कहानी के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी वाला सीन हो, चाहे ये ट्रिप वाला सीन हो, सब जगह पर जो है साफ पता चल रहा है कहानी में इसका कोई मतलब नहीं था। अगर सच पता ही चलना था विनायक का तो वो नागपुर में भी हो सकता था, लेकिन सीरियल के मेकर्स को एक सप्ताह खींचना था तो लुनावला और खंडाला वाली ट्रिप के अंदर उन्होंने एक सप्ताह खींच दिया। ऑल ओवर दोस्तों फिलहाल आप लोग अपने रिव्यूज मुझे बताइए कि फिलहाल के टाइम पर अगर सीरियल को मान लीजिए ऑफ एयर कर दिया जाए, आज ही के दिन ऑफ एयर कर दिया जाए, तो आप सीरियल को 5 में से कितने स्टार देंगे? 1, 2, 3, 4, 5 आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में रेटिंग्स दीजिएगा ताकि लगातार आपके जो भी रिव्यूज होंगे इसको लेकर वो पहुंच जाए, हो सका तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट भी डालूंगा, वहां पर आप डायरेक्ट वोट भी कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, एंड कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।